डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर जो है वो मोल के ऊपर होगा, मोल या कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो किसी भी सब्सटेंस का एक मोल कैसे बनता है, ये चीज़ अब आज हम सीखेंगे। किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, किसी कंपाउंड का मोलेक्युलर मास, या किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास, अगर आप इनको ग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं, ग्राम के अंदर शो करते हैं, तो आपके पास उस सब्सटेंस का एक मोल बन जाएगा। ठीक है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, कंपाउंड का मोलेक्युलर मास, या किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास, अगर आप उसको किसके अंदर, ग्राम के अंदर ले लेते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, उसका वन मोल बन जाएगा। जिस तरह हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है। तो अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, कितनी 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तो ये ऑक्सीजन एटम के, ऑक्सीजन एलिमेंट का वन मोल हो जाएगा। वाटर H2O कितना है जी, 18 है। अगर हम 18 ग्राम पानी ले लेंगे, 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम वाटर, तो इसका मतलब होगा ये 18 ग्राम वाटर हमारे पास क्या है, वाटर का वन मोल है। अगर हम बात करते हैं NaCl की, NaCl, ये हमारे पास 58.5 इसका फॉर्मूला यूनिट मास बनता है, सोडियम का और क्लोरीन का अगर लिखें, तो ये हमारे पास, अगर हम इतने ग्राम ले लेते हैं इसके, तो ये हमारे पास NaCl का वन मोल बन जाएगा। हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन का वन मोल 16 ग्राम की इक्वल होगा, वाटर का 18 ग्राम की इक्वल होगा, NaCl का 58.5 की इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास, उसको एटॉमिक मास को ग्राम के अंदर ले लेते हैं, तो इसको हम कह देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसको क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट टेकन इन ग्राम, ठीक है, कि एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है, अगर उसको ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। इसकी एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, हाइड्रोजन कार्बन की और डिफरेंट बाकी जो चीज़ें हैं। तो हाइड्रोजन का जो एक मोल है वो 1.008 ग्राम की इक्वल होगा, कार्बन का 12 ग्राम की इक्वल होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन की भी मैंने इधर एग्जांपल दे दी। दूसरी चीज़ है मोलेक्युलर मास, मोलेक्युलर मास को अगर आप ग्राम के अंदर ले लेंगे, तो ये ग्राम मोलेक्युलर मास बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ग्राम मोलेक्युलर मास। ग्राम मोलेक्युलर मास की मतलब कि किसी भी चीज़ का मोलेक्युलर मास हमने ग्राम्स के अंदर ले लिया। वाटर का मोलेक्युलर मास 18 था, तो इसको जब हमने 18 ग्राम लिया, तो ये हमारे पास ग्राम मोलेक्युलर मास बन गया। ठीक है, इधर आपके पास एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की, वाटर की और H2SO4 की है। अगर H2SO4 का जो है वो 98 होता है मोलेक्युलर मास, 98 ग्राम H2SO4 ले लेते हैं, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, उसका वन जो है वो ग्राम मोलेक्युलर मास बन जाएगा, या वन मोल बन जाएगा। तीसरी चीज़ है फार्मूला यूनिट मास को अगर आप ग्राम के अंदर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राम फार्मूला मास। जैसे मैंने NaCl की एग्जांपल दी, 58.5, अगर हमारे पास NaCl हो, 58.5 ग्राम NaCl हो, तो हम कहेंगे कि इसका 1 ग्राम फार्मूला मास बना है, या इसका 1 मोल बना है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम फार्मूला मास, इसको कलेक्टिवली मोल कहते हैं। आपकी बुक के अगले पेज पे मोल की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है, तो वो डेफिनेशन ये है। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज़ द एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़ कॉल्ड मोल। कि किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट मास को अगर आप ग्राम के अंदर ले लेते हैं, तो ये आपके पास क्या बना देगा, वन मोल बना देगा। ठीक है, तो वन मोल इस तरह बनेगा हमारे पास। तो
सभी की एग्जांपल्स जो थी, ग्राम एटॉमिक मास की एग्जांपल्स, ग्राम मोलेकुलर मास, ये किसी कंपाउंड के लिए होता है, ये एलिमेंट के लिए है, ग्राम फॉर्मूला मास जो है ये किसी आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, ठीक है, एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए और आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक। तो ये तीनों चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज़ है, कि एटॉमिक मास को अगर हमने ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर दिया, अब मोलेकुलर मास को अगर ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर दिया तो हमारे पास ग्राम मोलेकुलर मास बन गया, और अगर हमने फॉर्मूला मास को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर दिया तो हमारे पास ग्राम फॉर्मूला मास बन गया, और इन तीनों को कलेक्टिवली मोल कह देते हैं। आपके अगले पेज के ऊपर इस चीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मोल कह देते हैं। इन दोनों के सेंटर में एवोगैड्रोस नंबर का एक टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, इसी से रेलेवेंट है। अगर आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया तो इंशाल्लाह जो है आपको कल के टॉपिक के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही बात हमने ऐड करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज लें, कंपाउंड्स के एटॉमिक मैसेज लें, उनको ग्राम्स के अंदर लिखें, तो इस चीज़ की आज आप प्रैक्टिस करें। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।